यूपी के बहराइच के रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार से रेल कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कार्मिक अनशन शुरू कर दिया है। सभी ने नई पेंशन योजना को हटाने और पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी देने की मांग की। NER रेलवे यूनियन की ओर से मंडल के बाद जिले स्तर पर कार्मिक अनशन शुरू कर दिया गया। गुरुवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने बहराइच रेलवे स्टेशन के सामने परिसर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्मिक अनशन शुरू किया है। मैं सूरज प्रसाद चौहान, एनी रेलवे मजदूर यूनियन से शाखा मंत्री। कितने बार बैठे हैं, क्या मामला है? हम लोग यहाँ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कितने दिवसीय है ये? 4 दिवसीय प्रोग्राम है। 8/1/2024 से 11/1/2024 तक का प्रोग्राम है ये। हम लोग आज चौथे दिन यहाँ भूख हड़ताल शाखा स्तर पर बैठे हुए हैं। मांगे क्या है आप? मांगे हम लोग की एक ही मांगे है, पुरानी पेंशन बहाली। एक ही मांग, एक सूत्र मांगे, पुरानी पेंशन बहाली। हम लोग रेलवे से हैं। कब से कब तक चलेगा प्रोग्राम ये? तो 8 तारीख से चल रहा है और 11 तारीख आज लास्ट डे है, चौथा दिवसीय दिन है ये। मंडल स्तर, जोन स्तर, सभी जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है, यानी पूरे ऑल इंडिया में हो रहा है। मांगे अगर हम लोगों की नहीं पूरी हुई तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर अगर हम लोगों को कहा गया तो हम लोग रेल का चक्का भी जाम करने का काम करेंगे।